ये लौकी देखने में जितनी हरी भरी है उतनी ही सेहतमंद भी। आकार में हाइब्रिड लौकी को पीछे छोड़ने वाली ये लौकियां उत्तराखंड में हल्द्वानी के किसान अनिल पांडे की मेहनत का नतीजा है। इन्हें उगाने में रासायनिक खादों का नहीं बल्कि जैविक खादों का इस्तेमाल किया गया है। जो हमारे लोगों की थाली जहरीली होती जा रही है उसको थाली से जहर को हटाना है, इस प्रयास को मैं अच्छा समझूंगा। इससे हमारे कुछ किसानों को जागरूकता आएगी और मैं भी अगले वर्ष इस को डेमो के रूप में करूंगा और अन्य किसानों को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करूंगा। मैदानी ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी खेती में रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन अनिल ने जैविक खादों से खेती करने का फैसला किया। वे अभी केंचुए से बनी वर्मी कंपोस्ट के अलावा नीम की खली, लेमन ग्रास और गौमूत्र के इस्तेमाल से तोरई, लौकी, भिंडी जैसी तमाम सब्जियां उगा रहे हैं। इन्हें मिली कामयाबी ने जैविक खेती में दूसरे किसानों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। मैंने जो लौकी उत्पादन किया है, एक तो मैं पारंपरिक बीज लेके आया, हाइब्रिड का मैंने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। ऐसी लौकी बाज़ार में नहीं मिलती, बाज़ार के जो लौकियाँ बोई जाती हैं वो हाइब्रिड्स होती हैं और पकने में गलती नहीं है, इतनी स्वाद नहीं होती है, पोषक तत्व कम होते हैं। जैविक खेती में किसानों को महंगी रासायनिक खादों और कीटनाशकों से तो छुटकारा मिला ही है, लोगों को खाने पीने की सेहतमंद चीज़ें भी मिल पा रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि जैविक खेती करने वाले किसानों की मदद करने के साथ साथ ऐसे उत्पादों के लिए बेहतर बाज़ार मुहैया कराया जाए ताकि किसानों को बेहतर कीमत दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।